कि हम लोगों को चैन से जीने दें और पुलिस पुलिस जो है कर्नलगंज के हम लोग को प्रताड़ित ना करें, नहीं तो मैं और मेरे पति हम दोनों लोग आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग नहीं जिएंगे, हम लोग ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। जो 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 सच रहता है उसको पुलिस कभी नहीं लिखते हैं लोग। जब वो फैमिली की थोड़ी बहुत लड़ाई हुई तो तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या क्या एफ आई आर किए हैं लोग, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है। मेरा नाम पल्लवी सिंह है, मेरे पति के नाम मोहम्मद आलम है। कोई दिक्कत नहीं है आपको उनके साथ रहने में? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पति हमारे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे साथ हमेशा देते हैं। कब शादी की है? मैं फरवरी में की थी, हम लोग की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा सालों से चल रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये लड़की, इसका नाम पल्लवी सिंह है, प्रयागराज से कर्नलगंज के रहने वाली है। इसने एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम मोहम्मद आलम है से शादी की। आपस में कुछ मामलात हुए, कोई घरेलू मामला हुआ जिसके बाद पुलिस तक मामला पहुंचा। पुलिस ने उस मामले को सुलझाने के बजाय लव जिहाद का केस दर्ज मोहम्मद आलम पर कर दिया, यहां तक कि धमकी दे डाली कि आप तेरे घर तुम्हारे घर को गिरा दिया जाएगा। अब पल्लवी सिंह का बयान आया है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। ये बहुत ही सोचने की अमल है हमारी हुकूमत को, यूपी हुकूमत को, ख़ास तौर से प्रयागराज के अंदर। यानी इतना ख़तरनाक ये घटना है कि मामला घरेलू है और उसको लव जिहाद का नाम लेकर घर को गिराने की बात की जा रही है, जब पल्लवी ने आकर अब अपने आप को या दोनों ने आत्महत्या करने की बात कही है। इस पर ज़रूर सीएम योगी को देखना चाहिए और ऐसे लोगों पर, पुलिस वालों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए जो झूठा केस बना रहे हैं और खमखा का लव जिहाद का नाम इससे जोड़ रहे हैं। अब आप दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये भी प्रयागराज की ही है। अब ये देखिए हमारे यूपी में हो क्या रहा है, जहां हमारे योगी जी बात कर रहे थे हमने गुंडागर्दी यहां से सब ख़त्म कर दिया है यूपी से, तो ये कौन सी गुंडागर्दी है? यहां पर कुछ भाइयों की दुकान है, इस दुकान के अंदर तीन बदमाश आते हैं और तीनों आप देख रहे हैं क्या मामला सामने पेश आ रहे हैं। तीनों ने तमंचा दिखाया है और हथियार दिखाकर 5-6 लाख रुपए तकरीबन इनके यहाँ से छीन कर लूट कर ले गए हैं। तो इतने गुंडागर्दी हमारे इतने बड़े बड़े शहरों में, इतने बड़े बड़े एरियो में, जहाँ पर सब कुछ वहाँ मौजूद है, पुलिस फोर्स सब कुछ वहाँ मौजूद है, ऐसे मामला ऐसे हादसात पेश आ रहे हैं। अब पेश क्यों नहीं आएंगे? जब पुलिस केस कुछ और हो, मामला कुछ और बना रही है, तो फिर ये लोग तो ऐसे ही काम करते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मामला और आगे बढ़ सकते हैं। अब आप तीसरी वीडियो को देखिए, इसके अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा, हमारे यूपी की ही नहीं मुल्क के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। ये घटना बिहार की दारुल हुकूमत की है, बिहार की राजधानी की है, जहाँ पर एक लड़की ट्यूशन पढ़ने जा रही है और खुले आम इसकी खोपड़ी को एक मनचले ने, एक आतंकी कहें या एक बेवकूफ़ नालायक, एक निकम्मी शख्स ने इसको खोपड़ी को उड़ा दिया गया। ऐसी दर्दनाक घटनाएं हमारे मुल्क में दिन दहाड़े और पब्लिक खड़ी हुई देख रही है और ये भाग गया। आपने वीडियो में देखी, एक और वीडियो जो हमारे सामने है और इस वीडियो ने तो ख़ास तौर से सभी को हिलाकर रख दिया है। ये वीडियो सबसे जुड़ी हुई है, हर एक नागरिक से हिंदुस्तान के, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हिंदी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर एक को इस पर सोचना चाहिए, हर एक को ज़रूर कुछ ना कुछ अब आवाज़ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। ये वीडियो आई है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश क्यों ही खास नहीं किया जाए, पर बल्कि पूरे मुल्क के हालात यही हैं। जो वीडियो है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, हुआ क्या, थोड़ी सी आपसे गुजारिश ये भी है, अब आपने 2-3 वीडियो देख लिया, आपका भी हक बनता है कि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जो साथ में बेल आइकन होती है, घंटी होती है, उसे भी ज़रूर दबा लीजिए, ज़रूर इसको दबा लीजिए ताकि नई वीडियो आपको वक्त पर पहुंच सके। मध्य प्रदेश की वीडियो है, पूरी गाड़ी लोड है और इसको एक नदी में बहाया जा रहा है। इसके अंदर भाइयों कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, जिसका नाम लहसुन है। लहसुन की रेट न मिलने की वजह से किसानों को गुस्सा देखिए कि पूरी गाड़ी नदी के अंदर बहा दी गई है। एक चीज़ तो भाई ये देखने की है कि ये भी एक बेवकूफ़ी मानी जा सकती है कि खाने पीने की चीज़ को इतनी बेरहमी के साथ, या फिर ऐसे कह दीजिए कि इसकी कदर नहीं कर रहे लोग, इसको इस तरह से फेंकना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन हुकूमत के जो कर रही है, जो भाव नहीं दे रही है, ऐसा देखने में आता है। मेरा नज़रिया ये है और जो मामला हालात देखे जा रहे हैं कि जो चीज़ किसान के हाथ में से निकल जाती है,
और बड़े बड़े ताजरों के हाथ में पहुंच जाती है। उसके रेट, उसकी महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन जो चीज़, जो सब्ज़ी हो, फल हो, कोई भी चीज़ हो, वो अभी तक किसान के कब्ज़े में है, तो उसका कोई रेट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से किसानों का बहुत बुरा हालात हो जाते हैं। और ये कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, ये जो कदम उठाए जाते हैं कि ये ऐसे छोटे मोटे नहीं होते हैं, बल्कि मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से, मुल्क के अंदर गुर्बत होने की वजह से, जो मईशत होती है वो नीचे होने की वजह से, या मुल्क के अंदर जो कारोबार होते हैं सरकारी सतह पर वो कमज़ोर होने की वजह से ये मामलात पेश आते हैं। इसलिए कोशिश करें मुल्क के हालात के लिए दुआ भी करें, और आगे जो इलेक्शन कभी आएंगे तो ज़रूर सोच समझ कर किसी को भी अपना रहनुमा या अपना कायद चुनें। कहीं ऐसा ना हो जो मुल्क के हालात आप देख रहे हैं ऐसे ही चलते रहें, और मुल्क के हालात जितने बदतर हो रहे हैं उससे बस से बदतर होते चले जाएं। आपसे आखिर में गुजारिश है, जो भी आपकी राय हो ज़रूर अपनी राय लिखें कमेंट करके, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखें मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह मुल्क की हर शर से, हर फितने से हिफाजत फरमाए।